कोलकाता कांड पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आया गुस्सा। ममता बनर्जी बोले, दोषियों को खोजकर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता भी देश के बाकी हिस्सों में हुई दुष्कर्म की घटनाएं गिनाते हुए बीजेपी को घेर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। दो दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे मोहन भागवत ने रविवार 8 सितंबर को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को जघन्य अपराध के दोषियों को खोजकर जल्द से जल्द कड़ी सजा देनी चाहिए। बड़ा बाजार में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि वो घटना को लेकर समाज के लोगों की भावनाओं की पूरी रीति से कद्र करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को कोलकाता रेप मर्डर मामले पर कैबिनेट की आपात बैठक को बुलाना चाहिए। बंगाल सरकार जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी सजा भी दे। बता दें कि हर गुजरते दिन के साथ कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग तेज होती जा रही है। इसी क्रम में रविवार को कोलकाता में 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने न्याय की मांग की। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर श्याम बाजार इलाके में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।